सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है कैलोरीमेट्री के बारे में। अभी बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में। पॉइंट है अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इससे पहले हम बात कर चुके हैं हीट कैपेसिटी क्या है। तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए पूरी बॉडी का टेम्परेचर हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बट इससे आप एक जनरलाइज सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं, बिकॉज हर एक बॉडी का मास बहुत अलग हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पर यूनिट मास फाइंड आउट कर लें। जैसे कि मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त का हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, बट अगर उसका वेट 100 kg हुआ तो वो हीट कैपेसिटी आपसे कुछ रिलेट नहीं कर पाएगी। बट अगर आप उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं, मीन्स पर यूनिट मास अगर उसका निकाल लेते हैं और मे बी योर मास इज 60 kg, तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज 1 kg मास का आपके पास है ऑलरेडी, करेक्ट। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट देन हीट कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, स्पेसिफिक। इसका मतलब वी आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे हम किसके लिए स्पेसिफिक हो रहे हैं? वी आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द मास। तो हम इसमें मास कितना लेंगे? ओनली यूनिट मास, ओनली 1 मास। मतलब specific heat capacity of a substance is defined as the heat capacity per unit mass of the body of that substance. Okay, heat capacity per unit mass. इसका दूसरा definition भी आप लिख सकते हैं. It is the amount of heat energy required to change the temperature of 1 kilogram of mass by 1 degree Celsius. यहाँ पे नया factor क्या आया? 1 kilogram of mass आया. तो 1 kilogram of mass by 1 degree Celsius. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C किसके बराबर हो गया? हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी C डैश जो हमने निकाला था डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, जिसको हम m से लिखते हैं। तो C किसके बराबर हो गया? Q बाय m डेल्टा T, Q बाय m डेल्टा T, करेक्ट। पहले C डैश किसके बराबर हमने निकाला था? Q बाय डेल्टा T निकाला, टोटल हीट डिवाइडेड बाय टोटल राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे उसको मास से भी हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपको मिल जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से ही आपके फॉर्मूले आएंगे। इससे पहले हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। तो ये तो हम देख चुके हैं। तो C किसके बराबर हो गया? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई डिवाइड बाय मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो Q यहाँ से आ जाता है आपके पास एम सी डेल्टा टी। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होंगे? एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट डेफिनेटली हम जूल के बारे में बात करें तो जूल पर केजी पर केल्विन या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और कॉमन यूनिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। हीट कैपेसिटी अब हम देखते हैं तो किसके बराबर हो गया? हीट कैपेसिटी हो गया m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मास का डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यू आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द मास, यूनिट मास, और हीट कैपेसिटी में पूरी बॉडी का मास लिया जाता है। इसलिए हीट कैपेसिटी जब भी आपको फाइंड आउट करनी हो तो उसको हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, दैट इज ऑल। इसके साथ ही हम अभी का सेशन करते हैं खत्म। आगे आने वाले सेशन में हम और भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मोमेट्री के बारे में। स्टे ट्यून्ड।